भाई क्या जोरदार रिएक्शन आ रहा है लोगों के। मेरे जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दशरथ जी का एक समय महल हुआ करता था, पूरा गोल्ड से बना हुआ था उस टाइम, और अंग्रेज और मुगल शासक जब आए तो वो सारा गोल्ड निकाल के ले गए। तो शादी के पश्चात सीता माता और राम जी यहाँ रहा करते थे। ये भवन का नाम है कनक भवन। हम लोग खड़े हुए हैं लता चौक पे। ये श्री लता मंगेशकर जी को डेडिकेटेड है और इसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ये जो पानी बह रहा है ये सरयू नदी का है। वासुदेवाय ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् अवंदनार्थम् मृत्युमुक्षुभां तात् ओम भूर्भुवस्वः सुत्रवर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि येन प्रचोदयात्। श्री गणेशाय नमः। ओम गणी सूर्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। चलो लेट्स गो। फॉग रहती है तो हमने सोचा थोड़ा सा लेट चलते हैं, 7 बजे तक निकलेंगे। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा और लेट चलते हैं, 8 बजे तक निकलेंगे, नहीं तो फॉग मिलेगा। और वो एक एक घंटे करके धीरे धीरे मामला सब खसक गया, उस वजह से हो गया अपना सारा काम डिले। मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ के बाद मैं वापस भोपाल की और गाड़ी मोड़ लूंगा। पहले मेरा प्लान था कि पूरा यूपी एक्सप्लोर करने का, बट मेरे कुछ शोज और लाइनअप हो गए। चाय और पोहे के बिना अपना कुछ नहीं होता, वो भैया ने यहाँ पे जुगाड़ करवा दी। ये शेरा भैया है हमारे, जैसा इनका नाम है शेरा वैसे ही इनका काम भी है शेर वाला। ये भाई लोगों की शॉप पे हम लोग फिलहाल पोहा एंजॉय करने वाले। भाई हमें कल मिल गए थे, हमारे पहले भी इन्होंने वीडियोस देखे थे, इन्हें 5-6 सब्सक्राइबर अपने रूम वाले बढ़वा दिए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम भैया। इसीलिए जल्दी निकलना प्रेफर करता हूँ मैं, ताकि सिटी का ट्रैफिक ना मिले। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, तो नींद का एक वो नशा रहता है ना, वो अलग रहता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। जिसने उस पर विजय पाली निद्रा पे, वो सब चीज पे जीत गया। आज हम लोग राम लला के दर्शन कर ही लेंगे। हाईवे टच होने के बाद आई डोंट थिंक मुझे टाइम लगेगा ज्यादा। हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड होगी तो लगेगा, जैसे अपन को कई जगह मिल चुकी है। प्रयागराज से बहुत प्यार मिला यार, डेफिनेटली हम लोग फिर से आएंगे प्रयागराज। यहाँ देखो ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसी चक्कर में तो अपन को थोड़ा सा लेट हो रहा है। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी साइड आ गए हैं, जहाँ कल भी आए थे हम लोग घूमने के लिए, और यहीं से हम लोगों को हाईवे पकड़ना है। भाई क्या जोरदार रिएक्शन आ रहा है लोगों के। भाई साहब गजब कह ढा रही है बजूका। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है, और नीचे साइड देखो काफी ज्यादा सूखा सूखा पानी भी है, हरियाली भी है, अलग ही माहौल। मतलब यहाँ से वहां तक देखो आपको अलग अलग टाइप के लैंड देखने को मिल जाएगी। ओहो क्या बात है, छोटे छोटे पक्षी। सिंगल लेन पे ही दोनों आवन जावन चालू है, इस वजह से हमें 4 तो बजी जाएंगे पहुँचते पहुँचते। अभी 151 किलोमीटर्स और है, 3 घंटे 45 मिनट का रास्ता और हमें तय करना है। ट्रैफिक देख रहे हो आप, बजू का 50 के ऊपर नहीं जा पा रही अभी, ये पूरी ऑरेंज लाइन दिखा रहा है गूगल। वो क्या दूर हटी भाई वो। गजब का रिएक्शन था उस लड़की का, मजा आ जाता है भाई ऐसे रिएक्शन देख के। जो मूड खराब हो रहा होता है ना, वो बढ़िया हो जाता है। क्या हो रहा है भाई, ये 8-10 की स्पीड पे चल रहे हैं पागलों जैसे। वो बच्चे अंदर से बाहर झांकने लग गए। जगह ही नहीं है। ट्रैफिक इतना हो रहा है। अभी ऐसा सीन है, मेरा व्लॉग डल ही नहीं पा रहा है, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एडिटिंग का समय ही नहीं मिल रहा है। रात भर बैठ के डेटा कॉपी किया, एक डेढ़ डेढ़ घंटा तो सिर्फ डेटा कॉपी होने में लग जाता है, बिकॉज 3-3 कैमराज रहते हैं। घर जाने के बाद ही लगता है एडिटिंग हो पाएगी। फिलहाल यहाँ नदी बह रही है, बेहतरीन नज़ारा, दूर दूर तक पानी, और पुल के ऊपर से हम जा रहे हैं। हूटर तो आजकल यहाँ यूपी में भाई बहुत कॉमन है, मतलब भाई हर गाड़ी में हूटर है। मजेदार लोग है भाई यहाँ के। मैं तो सोच रहा हूँ बाइक में लगवा लूँ, ट्यू ट्यू करके निकलेंगे, और वो रेड ब्लू वाली लाइट पुलिस की, मजा ही आ जाएगा।
भाई ये क्या तरीका है यार यहाँ से, और बल्कि मैं दे भी रहा हूँ अपर डे पर, पासिंग लाइट लगा रहे हैं हम, लेकिन समझ में नहीं आता इनको, मुंह पे थूक के छेद कर देंगे तुम्हारे माथे पे। हाँ यार क्या पब्लिक रिएक्शन आते हैं भाई, बच्चों की छुट्टी हुई है वो आगे वाले सब पुलिस पलट के देख रहे हैं। वाह, तो ऑनलाइन मैंने हॉस्टल ढूंढा ट्रैवल हॉस्टल लेकिन मिला नहीं, फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो अभी ऑनलाइन दिखाते हैं लेकिन टूट चुके हैं तो उनकी बुकिंग अवेलेबल नहीं रहती, या फिर ऐसा हो जाता है कि उनके पास पार्किंग स्पेस नहीं रहता। तो मैंने बोला ये तो फिर प्रॉब्लम वाली चीज़ है, तो अभी पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा, व्यवस्था देखनी पड़ेगी पार्किंग की और उसके बाद बुकिंग करनी पड़ेगी। तो अगले साल तक जब तक हम आएंगे तब तक तो पूरा कॉरिडोर बन के तैयार हो गया होगा। बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन है, खराब रास्ता है तो थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ रहा है बाजूका को, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस उतनी ज़्यादा नहीं है। अफ्रीका ट्विन होती तो ऐसी खुदा खुदा के निकल जाते। वो भाई ने पूरा चेकआउट किया कौन सी गाड़ी है ये, भाई साहब यहाँ तो ब्रिज बन रहा है, ये ही काम चल रहा है पूरा अयोध्या में, बेहतरीन हो जाएगा भाई 2023 के एंड तक मज़ा आ जाएगा। फिर जैसे ही राम मंदिर बनेगा फिर अपन फिर से आ जाएंगे एक बार दर्शन करने, अभी तो मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, देखते हैं अभी कहाँ तक अपडेट क्या पहुँची है। फाइनली हम लोग आ गए हैं अयोध्या यानी कि राम जी की जन्मभूमि में। फिलहाल मेरे पीछे जो है ये है बिरला मंदिर, यहाँ का काफी विख्यात मंदिर है। हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में चेक इन किया है और अब हम लोग निकल रहे हैं जल्दी से दर्शन करने के लिए, क्योंकि 5 बजे मंदिर हो जाता है बंद। आप लोग मेरे आसपास देख सकते हो बहुत ज्यादा टूट फूट हो पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला है कॉरिडोर जैसे अपने उज्जैन में बनाए महाकाल के वहाँ, तो 2023 तक आप लोगों को काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे होटल्स वगैरह भी थे उन सबको हटा दिया गया है रास्ते से ताकि अच्छे से ये पूरा कंस्ट्रक्ट हो पाए। तो ये सब जितनी भी येलो फेंसिंग देख रहे हैं आप, ये सब राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसके प्रेमाइसिस के अंदर आता है ये पूरा एरिया, और वहाँ पे चेक पोस्ट भी देख पा रहा हूँ मैं थोड़ा दूर। तो वो जो क्रेन दिख रही है आप लोगों को, हमें एग्जैक्टली वहाँ पे जाना है और वहीं पे हमारे राम लला जी विराजमान है, छोटी छोटी स्टॉल्स है और यहाँ पे क्या बात है राम लला जी का झंडा लगा हुआ है, बहुत सारे झंडे दिख रहे हैं मुझे लहराते हुए। श्री राम लला जी के बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए हमारे, हमने प्रसाद भी ले लिया अंदर से, मतलब कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे दर्शन हो पाएंगे और इतना जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं की थी। अभी अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो देखा, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। तो राम मंदिर बनने के पहले लोगों ने एविडेंस मांगे थे कि आप लोगों को क्या एविडेंस मिले, तो अंदर वहाँ पे स्टोन्स रखे हुए हैं जो खुदाई के समय निकले थे। अंदर जाके बहुत अच्छा लगा रामलला के दर्शन करके, मतलब आंखों से आंसू आ गए, बस अब इंतज़ार है नए राम मंदिर बनने का, तो अगले साल हम लोग फिर अयोध्या वापस लौट के आएंगे। अभी हम लोग जिस प्रांगण में हैं यहाँ पे हमारे पीछे है अमावा राम मंदिर, यहाँ पे श्रद्धालुओं को खाना खिलाया जाता है, भंडारा किया जाता है। मेरे जस्ट सामने आप लोग देख सकते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और काफ़ी तेज़ी में काम चल रहा है और बहुत ही बढ़िया नज़ारा। यहाँ से ये जो ब्लू पाथ है यहाँ से हम लोगों को अंदर जाना होता है और वहाँ पे अंदर जाने के बाद राम लला स्थापित है, फिलहाल एक दरबार में रखे गए हैं लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर उनका राम दरबार सजेगा और हमें उसी का इंतज़ार है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी पे, ये मंदिर हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। भाई सिक्योरिटी अयोध्या में इतनी ज़्यादा टाइट है हर जगह, मतलब कैमराज तक अलाउड नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स तक अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है, लॉकर में रखवा लेते हैं और लोग कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लोगों को समझना चाहिए कि भाई गुलाम गुलाम होता है और बादशाह बादशाह होता है। चलिए अंदर चल के हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं।
बहुत ही बढ़िया दर्शन करने के बाद हनुमान जी के हम लोग आ गए हैं राजा दशरथ जी के महल में, जो हमारे जस्ट पीछे और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जैसे ही आप इस गेट से अंदर आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष बने हुए हैं, और अंदर जाने के लिए महल के रास्ता ये सामने है हमारे। जहाँ हम अभी खड़े हुए हैं ये दशरथ जी का एक समय महल हुआ करता था। आप देख सकते हैं ये पूरा येलो येलोइश में ज़्यादातर डेकोरेटेड है, क्योंकि पूरा गोल्ड से बना हुआ था उस टाइम, और अंग्रेज और मुगल शासक जब आए तो वो सारा गोल्ड निकाल के ले गए। सो वो जो सामने आप लोगों को मंदिर दिख रहा है वो राजद्वार मंदिर कहलाता था, तो वही मेन द्वार था यहाँ अंदर आने का। कहाँ से हम अभी होके आए हैं हनुमान गढ़ी, वो एक टीला हुआ करता था जहाँ हनुमान जी विराजमान रहते थे, और अब उसे मंदिर बना दिया गया है। एक चीज़ और मुझे पता चली है, अभी तो वैसे अयोध्या डेवलपमेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किए हैं कि जितने भी अब आने वाले समय में मकान दुकानें वगैरह सारी चीज़ें स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेंगे वो भगवा और सफ़ेद रंग के रहेंगे। मतलब पूरी नगरी भगवा और सफ़ेद रंग के मकानों से जगमगाएगी। जैसे जयपुर पिंक सिटी है और जोधपुर ब्लू सिटी है, इसी तरीके से अब अयोध्या मतलब कह सकते हैं ऑरेंज सिटी बन सकती है, भगवा सिटी। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक दुकान है जो वाइट और ऑरेंज कलर में बनी हुई है, तो इसी प्रकार से ये पूरी नगरी कुछ दिखाई देने वाली है। तो शादी के पश्चात सीता माता और राम जी यहाँ रहा करते थे, तो ये भवन का नाम है कनक भवन, जो कि अयोध्या में स्थित है। तो चलिए अंदर जाके देख के आते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। हम लोग खड़े हुए हैं लता चौक पे, ये श्री लता मंगेशकर जी को डेडिकेटेड है और इसका इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो अब हम लोग आ गए हैं अयोध्या में स्ट्रीट फूड ट्राई करने। इतने दिन से नूडल्स वगैरह नहीं खाई ना, तो अब मेरे को क्रेविंग हो रही है कुछ ऊट पटांग खाना खाने की। यहाँ आ गए हमारे पास मोमोस, और यहाँ पे प्राइस है 20 रुपए के 6 मोमोस। क्या बात है। मोमोज के बाद हम लोगों ने ले लिए स्प्रिंग रोल, ये भी 20 रुपीस का एक पीस यानी एक प्लेट। भाई इससे कम में खाना कहाँ मिलेगा ये बताओ। इसके बाद आ गया है हमारे पास बढ़िया सा गर्मा गर्म सूप, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ें मिल रही भैया की दुकान पे हम लोगों को। सही है यार, ये भी बढ़िया है। छोटी सी डिस्पोजल में चाय की सूप पी रहे हैं हम। अभी सीन ऐसा है कि हम लोग आ गए ठेके पे, लेकिन ये ठेका चाय का ठेका है। यहाँ पे विक्रम भैया है जिनके हमने मोमोज खाए, उनसे दोस्ती हो गई तो उनके साथ चाय पीने आ गए, और ये भैया यहाँ के ओनर है। बढ़िया चाय है भाई, मज़ा आ गया। फाइनली प्रयागराज के बाद अब अयोध्या में हम लोगों ने चाय पी है। यहाँ इतने सारे भाई लोग मिल गए, कुछ लोगों ने वीडियो देख के रखा था हमारा, कुछ लोगों ने नहीं देखा था, हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन अब चैनल सब्सक्राइब कर दिया भाई लोगों ने, तो थैंक यू सो मच भाई लोग इसके लिए। और भाई लोगों का घर यहीं पास में ही है पीछे, तो उनको बाइक देख के समझ में आ गया कि मैं आया हूँ, और फाइनली हम लोगों की मुलाकात हो गई। अब हम लोग आ गए हैं राम की पैड़ी पे, और आप लोगों ने जितने भी न्यूज़ चैनल में देखा होगा दीपोत्सव होते हैं और सारे जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं अयोध्या के, वो इसी जगह पे होते हैं। अब आप लोगों को मेन लोकेशन लेके चलता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बहुत सुकून है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये जो पानी बह रहा है ये सरयू नदी का है। जो भी सरयू नदी में यहाँ के दिन में दोपहर के समय पे स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ये सरयू माता जी का मंदिर है जो अभी फिलहाल बंद है, और यहाँ पे देखो हनुमान जी और उनकी वानर सेना, वो छोटे छोटे से बंदर, क्या बात है। उसका कर्तव्य देखो, मजा आ जाएगा देख के। यहाँ पे सरयू नदी जो सामने है उनकी आरती होती है शाम को 6 बजे के लगभग। बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही पवित्र नगरी है, बहुत ही अच्छी नगरी है। ऑब्वियसली राम जी की है तो यहाँ आके एक दिल में सुकून सा मिलता है। बाकी आप अगर यहाँ विजिट करते हो तो अयोध्या टूरिज्म नाम का एक पेज है जो कि बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक दिन में कहाँ कहाँ बेस्ट जगह है वो पता चल गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मैजिशियन एडी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, और फक्र से बोलो आई एम मैड। पीस आउट।